नमस्कार, बुक ऑडियो में आप सबका स्वागत है। बुक ऑडियो आपके लिए हर बार अलग अलग कहानी लेकर आता है और आज आपके लिए लाए हैं मनीष भार्गव द्वारा लिखित बेरंग लिफाफे, अजय सिंघल की आवाज में। अपनी बात। मेरा अपने कार्य के दौरान बच्चों और शिक्षकों से हर रोज मिलना होता है, जहां मैं देखता हूं कि सभी के पास कुछ ख्वाब होते हैं जिनको लेकर उनका मानना रहता है कि यदि ऐसा हो जाएगा तो हमारे जीवन में खुशहाली आ जाएगी। वो किसी बच्चे के लिए कोई बड़ी डिग्री के रूप में हो सकता है, तो किसी शिक्षक के लिए प्रमोशन के रूप में या किसी दूसरी जॉब प्राप्त करने में, तो किसी के लिए प्यार हासिल करने में, कोई पद के लिए प्रयासरत है, कोई पैसे के लिए, तो कोई ऐसा भी है जिसे पता ही नहीं कि वो ये सब कर क्यों रहा है। ये ऐसे ही एक व्यक्ति की कहानी है जो ग्रामीण परिवेश से निकलकर नवोदय जैसे विद्यालय में पहुंचा, जहां उसे इस दुनिया के सबसे खूबसूरत रिश्ते दोस्ती का अनुभव हुआ। पर उसे लगता था दोस्ती से भी बढ़कर कोई रिश्ता होता है। वहां से उसे नए लक्ष्य मिले और उनका पीछा करता हुआ वो खुद की तलाश में आगे बढ़ता गया। उसे ये भी नहीं पता था कि वो सही है या गलत, बस कुछ अलग करना उसकी आदत थी। जीवन की सरलता की खोज में वो खुद को खोज रहा था, शायद ऐसा कुछ जिसके लिए वो बना है या ऐसा कुछ जो उसके लिए हो। संभव है कि आप भी अपने आप को इस कहानी के किसी पात्र से जोड़ पाए। साथ ही आभारी हूं उन सभी शुभचिंतकों और आलोचकों का जिन्होंने सच में जिंदगी के मायने सिखाए। आभारी हूं उन सभी कार्यों और अधिकारियों का जिन्होंने उन मायनों को सही जगह उपयोग करना सिखाया। इसके अलावा उन सभी मित्रों का आभारी हूं जो हमेशा जिंदगी में रंग भरते रहते हैं। ये मेरे द्वारा कही गई पहली कहानी है। इसमें जो भी बेहतर करने की गुंजाइश हो उसे फीडबैक के जरिए मुझ तक जरूर भेजें, ताकि आगामी कहानी में मैं उसे समाहित कर सकूं। आपका मनीष भार्गव। तो अब चलते हैं हम असली कहानी की ओर। 7 जनवरी 2020 का दिन था, सर्दी का मौसम था। दिल्ली में सर्दी के साथ साथ प्रदूषण का भी मौसम होता है। पिछले कुछ वर्षों से प्रदूषण के नाम पर सरकारों को छुट्टी भी घोषित करनी पड़ रही है। सुबह के लगभग 9 बजे का समय था। दिल्ली मेट्रो उसी रफ्तार, उसी भीड़ के साथ दिखाई दे रही थी जैसे हर रोज दिखाई देती है। मैं हर रोज जनकपुरी वेस्ट से इसी समय मेट्रो पकड़ा करता था। जैसे ही मैं मेट्रो के कोच के अंदर पहुंचा, गुड मॉर्निंग सर, जसविंदर, रितु और फाजिल एक साथ बोल पड़े। गुड मॉर्निंग, अरे वाह फाजिल, तुम भी आए हो आज। हाँ सर, मैं जसविंदर सर के घर ही रुका था आज। जब हम मेट्रो से आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया, मतलब हमारे ऑफिस तक पहुंचने के लिए मंडी हाउस तक सफर किया करते थे, दोनों स्टेशन ब्लू लाइन पर ही है, इसलिए बिना मेट्रो बदले हम आसानी से ऑफिस तक पहुंच जाते थे। इससे पहले द्वारका मेट्रो स्टेशन से मेरे ही ऑफिस के दो अन्य साथी मेरा इंतजार करते थे और हर रोज मेट्रो पकड़ते ही अपनी लाइव लोकेशन व्हाट्सएप के जरिए शेयर कर दिया करते थे, ताकि मैं बगैर बार बार फोन किए या बिना उन्हें परेशान किए उसी ट्रेन में उसी कोच को पकड़ सकूं जिससे अगले 35 से 40 मिनट का समय हम बातचीत करते हुए गुजार सके। हम सब एक ही ऑफिस में यानी मंडी हाउस स्थित आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया में कार्यरत थे। मैं असिस्टेंट डायरेक्टर के पद पर कार्यरत था, मेरा एक साथी जसविंदर प्रोग्रामर के पद पर था, एक अन्य साथी रितु बख्शी सर्वेयर के पद पर कार्यरत थी और तीसरा साथी फाजिल, जिसने हाल ही में SSC के जरिए सिलेक्शन लेकर हमारे डिपार्टमेंट में ज्वाइन किया था, वो भी सर्वेयर के पद पर कार्यरत था। 4 लोगों की पूरी टीम थी। कोई भी प्रोजेक्ट हम सभी को मिलता था,
जैसे फिलहाल हम मध्य प्रदेश भोपाल के पास में हुई एक खुदाई जो प्राचीन स्थापत्य कला से संबंधित थी के केस पर कार्य कर रहे थे। ये केस किसी वजह से रीजनल ऑफिस से दिल्ली स्थानांतरित किया गया था, पर इसके अलावा कालीबंगा, राजस्थान के कुछ नए स्थलों सहित और भी कई अन्य प्रकार के प्रोजेक्ट पर हम कार्य कर रहे थे। हमारी पूरी टीम में हम चारों एक से थे, जिसमें से हम तीन द्वारका और जनकपुरी से होते हुए मंडी हाउस तक पहुंचते थे और वहां से हम सभी ऑफिस पहुंचते। मुझे कभी नहीं लगता था कि मैं उनका कोई अधिकारी हूं, पर वो सब मुझे सर कहकर पुकारते थे और मैं उन सभी के नाम लिया करता था। शायद ये शासकीय कार्यालयों का अनिवार्य सत्य है कि वहां पर पद सोपान बहुत ज्यादा जरूरी होता है, या यूं कहें कि पद हमेशा कार्य से बड़ा माना जाता है। इसके अपने कई फायदे हैं, जिससे असफलता किसी एक व्यक्ति पर थोपना आसान होता है। सामान्यतः उस पर जो सबसे नीचे से हस्ताक्षर करता है, जिस प्रकार लोक प्रशासन में पद सोपान ऊपर से नीचे की तरफ आता है, उसी प्रकार जिम्मेदारी और वेतन भी ऊपर से नीचे की तरफ खटता हुआ माना जाता है। पर असफलता या कमी हमेशा नीचे से ऊपर की ओर घटती हुई मानी जाती है। जो सबसे पहले नोटशीट पर इनिशियल करता है, वही सबसे बड़ा जिम्मेदार माना जाता है, और कोई गलती होने पर ऐसे दिखाया जाता है जैसे संबंधित कार्यालय सहायक या बाबू ही सबसे बड़े ज्ञाता थे। उसने जो लिख दिया उसी पर सहमत होते हुए फाइल सचिव स्तर तक भेजी जा सकती है। कभी कभी कोई अधिकारी जो अपने को बहुत बड़े विद्वान मानते हैं, वो साथ में लिख देते हैं नियम अनुसार कार्यवाही करें, और उसी कार्यवाही से सहमत होकर आगे बढ़ा देते हैं। अब कोई सभी नियम जाने भी तो कैसे, एक व्यक्ति भला लाखों नियम और उससे ज्यादा संशोधन कैसे जान सकता है। वो तो सिर्फ कर्मचारी ही जान सकता है, मतलब पद कार्य से भी बड़ा होता है। हर सरकारी कार्यालय में ये एक वास्तविकता है जो हमें हर जगह दिखाई देती है। फिर भला हम जैसे अर्धविद्वान कैसे इससे बचते। पिछले 4 वर्षों से सब कुछ सामान्य सा था। हमने कई प्रकार के प्रोजेक्ट पर काम किया, पर 7 जनवरी 2020 के दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने सब कुछ सामान्य नहीं रहने दिया। जी हाँ, 7 जनवरी 2020, इसी दिन जैसे ही मैं ऑफिस पहुंचा, मेरे ऑफिस पहुंचने के लगभग 1 घंटे बाद 2 व्यक्ति मेरे चैम्बर में आए, एक पुरुष और एक महिला। देखने में पुरुष 50-55 वर्ष का रौबदार हट्टा कट्टा ऊंचा व्यक्ति था, सिंघम स्टाइल की मूछ। साथ में महिला थी जो पुलिस की वर्दी में थी। मैंने गौर से देखा तो महिला की पुलिस की वर्दी स्पष्ट दिखाई देती थी। कंधे पर 2 स्टार थे, इस पर मध्य प्रदेश पुलिस लिखा हुआ था। अब ये तय था कि मध्य प्रदेश की कोई सब इंस्पेक्टर थी। उसकी उम्र 27 या 28 वर्ष रही होगी और देखने में व्यक्तित्व ऐसा लग रहा था जैसे किसी साउथ इंडियन अभिनेत्री को पुलिस की वर्दी पहनाकर भेजा गया हो। उसकी ड्रेस पर नेम प्लेट लगी थी, जिस पर स्पष्ट रूप से नेहा रावत लिखा हुआ दिखाई दे रहा था। साथ ही कुछ नंबर भी लिखे हुए थे जो मुझे समझ में नहीं आए, पर मैंने ज्यादा गौर भी नहीं किया। बस ये देखकर स्पष्ट अंदाजा लगाया जा सकता था कि ये पुलिस वाले हैं। आर्कियोलॉजी में होने वाली खुदाई के दौरान कई प्रकार की घटनाएं होती हैं, अभिलेख मिलते हैं और उनके कारण पुलिस का हमारे कार्यालय में आना जाना लगा रहता है। कई बार कई चीजों को नए नजरिए से किसी और ही रूप में दिखाना और प्रस्तुत करना पड़ता है, इसलिए भी पुलिस का आना तो एक आम बात थी। और बिल्कुल वैसा ही प्रतीत हो रहा था। दोनों आकर मेरे सामने की सीट पर बिना मुझसे बात किए बैठ गए और मुझे घूर घूर कर देखने लगे। देखने में थोड़ा सा अजीब तो लगा, पर दुनिया में इतने प्रकार के व्यक्तियों से मिलना हो चुका है कि अजीब लगने वाली घटना भी सामान्य लगने लगी है। कई बार एक व्यक्ति का आम होना भी दूसरे के लिए अजीब हो सकता है और किसी का अजीब होना भी किसी के लिए आम हो सकता है, ये कोई नई बात नहीं है। दोनों मेरे सामने एक कुर्सी और एक बगल में रखी हुई कुर्सी को खिसकाकर ठीक मेरे सामने बैठ गए।
जैसे वो मुझे अच्छे से जानते हों और रेगुलर आते रहते हों, पर मैंने उन्हें इससे पहले कभी नहीं देखा था। एक बार को लगा शायद कोई बचपन का स्कूल फ्रेंड हो, पर दोनों की उम्र ऐसा भी नहीं लगने दे रही थी। फिर लगा कोई टीचर और उनकी बेटी आए होंगे, पर ऐसा भी कुछ प्रतीत नहीं हुआ। वो दोनों लगातार मेरी तरफ घूर कर देखे जा रहे थे। मैंने उन सज्जन की तरफ देखकर कहा, फरमाइए श्रीमान जी। इस पर भी उनका कोई जवाब आता ना देख मैंने मैडम से कहा, महतरमा फरमाइए, क्या मदद कर सकते हैं आपकी। सब इंस्पेक्टर नेहा ने उन सज्जन की तरफ इशारा करते हुए कहा, ये हैं मोनिंदर सिंह, इंस्पेक्टर मध्य प्रदेश पुलिस, और मैं नेहा रावत, सब इंस्पेक्टर मध्य प्रदेश पुलिस एसटीएफ ब्रांच भोपाल। जी बताने के लिए शुक्रिया, पर मुझे नाम से ज्यादा आपके आने की वजह में इंटरेस्ट है। फिर भी चलो मैं भी अपना परिचय दे ही दूं। मुझे बीच में ही रोकते हुए इंस्पेक्टर ने कहा, पंकज जैन, असिस्टेंट डायरेक्टर, डेट ऑफ बर्थ 8 अगस्त सन 1985 का मॉडल हो, ग्राम रहेवा, तहसील निराजो, जिला ग्वालियर मध्य प्रदेश। स्कूल की पढ़ाई नवोदय विद्यालय से, कॉलेज की पढ़ाई ग्वालियर से। इसके बाद कुछ समय मध्य प्रदेश में अपनी ही तहसील के हल्का नंबर 17 में पटवारी रहे। यहाँ आने से पहले केंद्र सरकार के दूसरे महकमे में थे जिसमें पोस्टिंग मध्य प्रदेश में थी। उसी दौरान शेयर मार्केट में कुछ हेरा फेरी करने के सिलसिले में डिपार्टमेंटल इंक्वायरी भी हुई थी, जिसमें आज तक किसी को ये भी नहीं पता कि हुआ क्या था, पर ये तय था कि तुमने कुछ किया था। मेरे इस प्रकार के अतीत के बारे में किसी को कुछ नहीं पता था। ये सब सुनकर घबराहट हो रही थी। इस प्रकार के शब्द पुलिस से सुनना और भी ज्यादा संदेह पैदा कर रहा था। ये सब सुनते ही मुझे थोड़ा अजीब लगा, क्योंकि मेरे सामने ऐसा कभी हुआ नहीं था। धड़कन तेज हो रही थी और अब मुझे लग रहा था कि ये कुछ अलग ही मामले के सिलसिले में मेरे पास आए हैं। मैंने कहा, इन सब चीजों से आपको क्या मतलब है? आप किस लिए आए हैं मुझे ये बताइए। उन महाशय ने उस लड़की की तरफ इशारा किया। वो कहने लगी, हम यहाँ एक मर्डर के सिलसिले में जानकारी हासिल करने आए हैं। हमें शक है कि या तो आपने वो किया है या आप उसमें शामिल हो सकते हैं, इसी कारण हम आपसे कुछ जानकारी लेने आए हैं। उम्मीद है कि आप हमारा सपोर्ट करेंगे। हालांकि किसी भी प्रकार के लीगल डॉक्यूमेंट्स में आपका अब तक जिक्र नहीं है, पर कुछ संदेह है जिनके कारण सर और मैं आपसे कुछ सवाल जवाब करने आए हैं। इतने में इंस्पेक्टर बोल पड़ा, जिक्र नहीं है का मतलब ये नहीं है कि हम तुमसे पूछताछ नहीं कर सकते। इसका मतलब है कि हम किसी निर्दोष को नहीं फंसाना चाहते। यदि आपने सपोर्ट नहीं किया या गलत जानकारी देकर गुमराह करने की कोशिश की, तो हमें आप पर शक करने की पर्याप्त वजह मिल जाएगी, और औपचारिकता के लिए हम कानूनी दस्तावेज लेकर आए हैं, जिसकी जानकारी आपके उन अधिकारियों को दी जा चुकी है जिनको बताना जरूरी है। अगले कुछ दिन हम आपसे ऐसे ही मिलते रहेंगे। अब ये सब मेरे लिए डरावना होता जा रहा था। पहले तो मुझे लगा कि ये सब कैसे हो सकता है, ऐसी क्या चीज हो सकती है, और मैं तो ऐसी किसी भी चीज से जुड़ा ही नहीं हूँ, ना ही मेरे साथ ऐसी कोई घटना हुई। फिर मैं वहां से सीधा उठकर अपने सीनियर के पास गया, जो हमारे उस ऑफिस के इंचार्ज भी हैं। मैंने सीधे उनके ऑफिस में जाकर कहा, सर मेरे ऑफिस में दो पुलिस वाले आए हुए हैं जो फालतू बातचीत कर रहे हैं, और मुझे काम करना है। वो कह रहे हैं आपको इस बात की जानकारी है, जबकि आपको पता है कि मुझे कल जयपुर भी जाना है। मेरे सीनियर बड़ी शांति से मेरी तरफ देखकर बोले, मैं वहीं तक आपकी मदद कर सकता हूं जहां तक मुझे समस्या ना हो। ये कोई आम केस नहीं है, एक मर्डर के सिलसिले में पूछताछ है, और यदि मैं उनका सपोर्ट नहीं करूंगा तो वो मुझे भी तुम्हें बचाने के आरोप में आरोपी बना सकते हैं। मैं इस चक्कर में नहीं पड़ना चाहता। मैं इस मामले में आपकी कोई मदद नहीं कर पाऊंगा। साथ ही मैंने उन्हें आश्वासन दिया है कि अगले 10 कार्य दिवस तक आप कहीं नहीं जाएंगे। उनका डिपार्टमेंटल लेटर आया है जिसके हिसाब से आप उनकी हर वो मदद करेंगे जो भी वो चाहते हैं। सर
आपको तो पता ही है कि किसी भी सरकारी कर्मचारी को वरिष्ठ अधिकारियों की परमिशन के बिना इस तरीके से परेशान नहीं किया जा सकता, और वो सिर्फ एक लेटर लेकर आए हैं, कोई FIR नहीं है। आप चाहें तो उन्हें टाल सकते हैं। प्लीज सर, क्या आपको लगता है कि मैं ऐसा कुछ कर सकता हूँ? क्या तुम सतीश को जानते हो, जो तुमसे पहले तुम्हारी इसी पोस्ट पर था? सर ने पूछा। मैंने हाँ में सर हिलाते हुए कहा, मैं जानता हूँ, उसने सुसाइड की थी शायद। जी हाँ, वही। वो मेरे ऑफिस का मेरा सबसे भरोसेमंद व्यक्ति था, जिसका मैं हमेशा साथ देता था, लेकिन उसकी मौत के बाद उसकी तरफ से 3-3 पत्नियों ने केस दर्ज कर रखा है उसकी नॉमिनी के रूप में। एक के पास मैरिज सर्टिफिकेट है, एक ने कोर्ट मैरिज की है, और एक के पास सामाजिक सबूत है कि वो साथ रहती थी। मैं चौंक गया। क्या? सर्विस बुक में चेक कर लो सर, किसका नाम लिखा है? उसने भी तो अपने नॉमिनी का नाम लिखा होगा। सर ने खड़े होकर अपनी टेबल की दराज से एक सर्विस बुक की कॉपी निकालते हुए कहा, यही तो और भी बड़ी समस्या है। सर्विस बुक में जिसका नाम है उसने तो अब तक क्लेम ही नहीं किया, और उसकी पत्नियों को लगता है कि ये सब मैंने रिकॉर्ड में हेराफेरी करके किया है। सर, ये थोड़ी अलग बात है, पर मेरी बात तो कुछ और ही है ना। देखो भाई, इस बात से मुझे समझ में आ गया कि कोई भी व्यक्ति प्रोफेशनल लाइफ में बहुत अच्छा हो सकता है, पर इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं कि वो निजी लाइफ में भी उसी तरीके से ईमानदार या एक आदर्श व्यक्ति हो। कई लोग जीवन में इतने अच्छे कलाकार होते हैं कि वो अपने हर रोल को बखूबी निभाते हैं। जब ऑफिस में होते हैं तो लगता है इससे अच्छा कोई हो ही नहीं सकता, जब घर में हैं तब उस रोल को बखूबी निभाते हैं, और हो सकता है एक रोल में हीरो हो तो दूसरे में विलेन। मैं किसी पर भरोसा नहीं कर सकता, मैं आपका सिर्फ ऑफिस के काम में ही सपोर्ट कर सकता हूँ, किसी और काम में नहीं। जहां तक मुझे दिक्कत नहीं होगी, मदद करने को तैयार हूँ, ऐसे मामलों में मदद नहीं करूंगा। तुम्हारा मैटर तुम ही जानो, माफी चाहता हूँ, कृपया अब आप जा सकते हैं। मैंने गहरी सांस ली और वापस अपने चेंबर में आ गया। मुझे लगा जब कोई साथ नहीं देगा तो फिर हमें ही खुद का साथ देना पड़ता है। मुझे अपने गुरु, जो मेरे बड़े भाई की तरह थे, उनकी एक बात याद आई कि जब भी समस्या हो तो ध्यान रखना, आपकी मदद सिर्फ आप ही कर सकते हैं, और हर उस मदद में ईश्वर कैटेलिस्ट का काम करता है, और वास्तविकता यही है कि जिंदगी भर हमारे सबसे बड़े साथी हम ही होते हैं। फिर मुझे लगा कि हो सकता है मेरा नाम गलती से आ गया हो सकता है इनसे कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई हो, या हो सकता है इस नाम का कोई और हो किसी ऑफिस में। मैं इस प्रकार की कई बातें सोचते हुए इंस्पेक्टर से अपनी बात यूं कहने लगा जैसे कोई बच्चा अपनी सफाई देता है। वो बड़े इत्मीनान से मुझे देख रहा था। कुछ देर बाद बोला, देख भाई, ये दिल्ली है, इसलिए हम बात कर रहे हैं और सभ्य भाषा में बोल रहे हैं। मैं यहाँ इस जनवरी की सर्दी में यहाँ का प्रदूषण और दिखावटी चेहरों के साथ रेंगते हुए ट्रैफिक को देखने या किसी गलतफहमी के कारण नहीं आया हूँ। मुझे महकमे में संभव सिंह के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि मैं हर काम को संभव करना जानता हूँ। हम पहले ही आपके अधिकारियों से मिलकर आए हैं, और आप अगले 10 दिन तक दिल्ली से बाहर नहीं जाएंगे। हम आपको परेशान नहीं करेंगे, ना ही हम आपको कहीं लेकर जा रहे हैं। हम बस यहीं आपके ऑफिस में ही आपसे जवाब चाहते हैं। उम्मीद है आप हमारा साथ देंगे और इज्जत के साथ हमारे सवालों के जवाब देंगे। देखूंगा, पहले मुझे पता तो चले कि ये सब कुछ हो क्या रहा है। मेरी अभी समझ में कुछ नहीं आ रहा है, आप लोग क्या पूछ रहे हैं और किस कारण से आप यहाँ आए हैं। इंस्पेक्टर ने कहा, समझने की कोई जरूरत नहीं है, हम उसी भाषा में बात कर रहे हैं जो तुम्हें आती है। यदि ये भाषा समझ में ना आ रही हो तो दूसरी भाषा भी आती है हमें, जिसमें बिना बोले ही काम हो जाता है। अब मुझे सीधे तौर पर आने वाला समय ठीक नहीं लग रहा था, फिर भी मुझे लगा तसल्ली से बात की जाए तो शायद कोई हल निकल जाए।
आपकी बिना शब्दों की भाषा से मैं भली भांति परिचित हूँ श्रीमान। वैसे भी यदि शब्द हटा दिए जाएं तो दुनिया की सभी भाषाएं एक ही हैं, जो हर किसी को समझाई जा सकती हैं। सिर्फ शब्द और व्याकरण ही उसे बदलते हैं, और यही शब्द हैं जो भाषा में अवरोध उत्पन्न कर देते हैं, जो भाषा की सीमा को बांध देते हैं। और मुझे पता है कि आप किस भाषा की बात कर रहे हैं। ध्यान रखें श्रीमान जी कि मैं भी एक शासकीय कर्मचारी हूँ, आपसे बड़े पद पर हूँ, और आप इस तरीके से मुझे टॉर्चर नहीं कर सकते। कोई वारंट है आपके पास? अभी नहीं है, पर यह कोई बड़ी चीज नहीं है। मैं 2 दिन में मंगा सकता हूँ, लेकिन उससे आपको ही दिक्कत होगी। बेहतर होगा आप ऑफ द रिकॉर्ड हमारे सवालों के जवाब दें, ताकि हमें तसल्ली हो जाए। मैं नहीं चाहता कि किसी व्यक्ति को फंसाया जाए। यदि आप सही हैं तो मैं आपको इस केस से दूर रखूंगा। उसके लिए मुझे तसल्ली होना जरूरी है कि आप सच में बेगुनाह हैं या कुछ और बात है। यदि मैंने कोई पाप या अपराध ना किया हो तो? देख भाई, पाप किया या नहीं किया, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। पर यदि अपराध किया होगा तो उठा कर ले जाऊंगा। हम पापी को नहीं, अपराधी को पकड़ते हैं। ठीक है, मुझे 2 दिन का वक्त चाहिए। मैं सोचता हूँ क्या कर सकता हूँ। मेरे पास ज्यादा समय नहीं है। दिल्ली का खर्चा इतना है कि हमारी सरकार दे नहीं पाती, और मैं कोई घर खरीदने या बेचने नहीं आया जो वक्त दूं। पर कल तक सोच लो किस तरीके से मानोगे। ठीक 24 घंटे बाद हम मिलेंगे। और हाँ, दिल्ली से बाहर नहीं जाना। मैं मध्य प्रदेश भवन में ठहरा हूँ, ये मेरा नंबर है, जरूरत पड़े तो संपर्क कर सकते हो, समझे? मुझे देखकर मुस्कुराकर दोनों बाहर चले गए। हमारे डिपार्टमेंट की कैंटीन में बैठकर दोनों चाय पीने लगे। कुछ ही देर में नेहा ने मोनिंदर से पूछा, सर क्या आपको लगता है कि ये ऐसा कर सकता है? देखो, मेरे लगने या ना लगने से कुछ नहीं होता, हमें सच्चाई जाननी है। मैंने अपने जीवन में इतने केस सॉल्व किए हैं, पर ये केस मुझे कहीं ना कहीं खटकता है। मैं इसे सॉल्व नहीं कर पाया। दुनिया में जितने भी मर्डर होते हैं वो सिर्फ 3 वजहों से होते हैं। पहला, बदला, जिसे मैं न्यूटन का नियम या फिजिक्स कहता हूं। दूसरा, इश्क, जिसे मैं केमिस्ट्री या रसायन कहता हूं। तीसरा, जमीन, जिसे मैं भूगोल कहता हूं। मतलब फिजिक्स, रसायन और भूगोल, सिर्फ यही कारण है मर्डर के। और ये उसका आशिक था, मजनू से भी बड़ा वाला। इसलिए इसके पास इश्क और बदला दोनों कारण थे। हंसते हुए नेहा ने कहा, अब समझ आया आपको ये सस्पेक्ट क्यों लगा। फिजिक्स और केमिस्ट्री, दोनों जोर जोर से हंसते हैं। मैं चाहता हूं कि अगले 6 महीने में या इस साल में, मतलब इस 2020 में ही इसे सॉल्व कर लो, क्योंकि आगे चलकर मेरा प्रमोशन होना है और मैं कोई भी केस अनसुलझा नहीं छोड़ना चाहता। हमें इससे क्या क्या जानना है, और आपने इसके लिए मुझे क्यों चुना? आपको पता है मैं एग्जाम वाले केस में थी। तुम्हें चुनने की 2 वजह थी। पहली ये कि मेरे पुराने अनुभवों से मैंने देखा है कि दिल्ली में लोग अंग्रेजी में ज्यादा बड़बड़ाते हैं। शायद वो अपने स्टेटस को दिखाने के लिए ऐसा करते हो, और मेरी अंग्रेजी थोड़ी कमजोर है। दूसरा, मुझे साइबर एक्सपर्ट की जरूरत थी, और लिखा पढ़ी करने में एक स्टेनो से बेहतर और कौन हो सकता है। जो भी मेरी कमियां थी वो एक व्यक्ति से पूरी हो रही हैं। इसलिए मैंने स्पेशल रिक्वेस्ट करके तुम्हारे लिए कहा था। साथ ही मुझे एक भरोसेमंद व्यक्ति की जरूरत थी, क्योंकि इस केस के कानूनी पहलू अपने फेवर में नहीं है। सबसे पहले तो हमारे लिए किसी भी व्यक्ति का अतीत जानना बहुत जरूरी है। अतीत ही है जो हमें किसी व्यक्ति के वर्तमान को समझने में मदद करता है। सो
पहले तो उसका अतीत जानते हैं, इसके अलावा हमें दो तीन चीजों को समझना है। इसे मेडिकल की किस लेवल की नॉलेज है, इसकी पुरानी सभी पोस्टिंग्स का ब्यौरा, क्योंकि इसने इस जॉब में अपने को फ्रेशर बताया है, कोई एक्सपीरियंस शो नहीं किया, और इस पर जो पहले इंक्वायरी हुई थी उसकी डिटेल चाहिए, शायद उससे इसे समझने में कुछ मदद मिले। मैंने समझने की कोशिश की थी, शेयर मार्केट से रिलेटेड कुछ मैनिपुलेशन हुआ था, पर वो समझ में नहीं आया, कुछ टेक्निकल था, इसलिए तुम्हें साथ लाया हूं। और हां, इसका कॉल रिकॉर्ड चेक करना, उससे भी हमें कुछ क्लू या इसके स्तर को जानने में मदद मिल सकती है। पूरी बात सुनकर नेहा बोली, सर आपने इसके नंबर को ट्रैक करने के लिए पिछले महीने बोला था, मैंने दो बार ट्राई किया, पर हम इसका नंबर ट्रैक या हैक नहीं कर सकते। ऐसा कैसे हो सकता है, हम तो किसी का भी नंबर ट्रैक या हैक कर सकते हैं, हमारे पास तो पावर है जिसका उपयोग हम किसी भी आम आदमी पर तो कर ही सकते हैं। मनिंदर थोड़ा हतप्रभ था, मुझे भी थोड़ा अजीब लगा, फिर मैंने इस मामले पर भोपाल के सबसे एक्सपर्ट अधिकारी जो पूर्व में आईबी में भी रह चुके हैं से बात की। उन्होंने बताया कि ऐसा दो मामलों में संभव है, एक तो ये क्रिप्टो फोन यूज करता हो। वो क्या होता है? वो दुनिया के सबसे सेफेस्ट फोन होते हैं, सचिव या मंत्री स्तर के लोग यूज करते हैं। उसको यदि कोई हैक या ट्रैक करने की कोशिश करता है तो वो अपने आप डिस्कनेक्ट हो जाते हैं और डिस्प्ले पर जानकारी आ जाती है, उसे गवर्नमेंट एजेंसी तक नहीं ट्रैक कर सकती, उसकी परमिशन लेनी पड़ती है। पर इसके फोन को देखकर लगा ऐसा कुछ नहीं है, ये सिंपल एंड्रॉइड फोन यूज करता है। दूसरा कारण ये भी हो सकता है कि ये खुद हमसे अच्छा हैकर हो, जो फोन को सिक्योर रखने के तरीके जानता हो। इंस्पेक्टर ने गहरी सांस लेते हुए कहा, इसकी नींव खोदनी पड़ेगी, इसकी गहराई जानो, इसकी और डिटेल पता करो। तोमर को फोन करके बोलो कि सोशल मीडिया और सब जगह से पता करें। कल मिलने से पहले हम एक काम और करते हैं, इनके ऑफिस के जो इसके करीबी हैं, हम उन सब से थोड़ी सी जानकारी हासिल करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले यही कैंटीन से जानना शुरू करते हैं। इंस्पेक्टर ने जोर से आवाज लगाकर कैंटीन के सर्व करने वाले लड़के और मैनेजर को बुलाया, मोबाइल में फोटो दिखाते हुए पूछा, इन साहब को जानते हो? मैनेजर बोला, हाँ सर, लगभग 3-4 साल से यहाँ है और काफी अच्छा स्वभाव है, बहुत ही अच्छे साहब है। अच्छे का मतलब? इंस्पेक्टर ने पूछा। अच्छे का मतलब पैसा टाइम पर देते हैं, कभी कभी टिप दे देते हैं हमारे कर्मचारियों को, दूसरे के भी पेमेंट अक्सर वही कर देते हैं, खुद ही सबको चाय पिलाते हैं, चाय बहुत पीते हैं। और कौन कौन आता है उनके साथ? उनके साथ अक्सर एक सरदार जी आते हैं और कभी कभी वो मैडम आती हैं, उनके साथ बहुत देर तक यहीं बैठे बैठे बात करते रहते हैं। कभी कभी और भी कोई आ जाता है, पर अक्सर यही आते हैं, मैडम ही सबसे ज्यादा इनमें दिखाई देती हैं। कैंटीन से ये जानकारी प्राप्त कर नेहा और मोनिंदर वापस अंदर चले गए और जसविंदर सिंह जो प्रोग्रामर था उससे मिले। सत श्री अकाल सरदार जी, इंस्पेक्टर ने सर्वर रूम में आते ही कहा। जसविंदर ने खड़े होकर दोनों को नमस्ते किया। तुम्हारे साहब के बारे में थोड़ी सी तफ्तीश करने आए हैं। तफ्तीश मतलब? मतलब पूछताछ। अच्छा अच्छा अच्छा, बताइए सर। पंकज को कब से जानते हो? जब से यहाँ हूँ तब से मुलाकात हुई है जी। मतलब कब से? 7 साल से? नहीं, अब मेरा मतलब है जी 2 साल से, इससे पहले मेरी पोस्टिंग जयपुर थी। इस लेवल की जान पहचान है? सर को कंप्यूटर की बहुत नॉलेज है, जिससे मुझे अक्सर कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है, और फिर हम मेट्रो से भी साथ आते हैं, उनका नेचर ही ऐसा है कि सबसे अच्छी पढ़ती है, इसीलिए मेरी अच्छी पढ़ती है जी।
मुझे जब भी मदद की जरूरत होती है तो हमेशा मेरी मदद करते हैं। तुम तो प्रोग्रामर हो, क्या क्वालिफिकेशन है तुम्हारी? नेहा बोली। जी MCA। उसके बावजूद भी तुमसे ज्यादा जानते हैं वो कंप्यूटर के मामले में? जी मैडम जी, कंप्यूटर ही नहीं हर चीज के बारे में जानते हैं। किताबों की इल्ली हैं, कानून, फाइनेंस, कंप्यूटर, इतिहास, ज्योतिष, पता नहीं क्या क्या जानते हैं। और कई भाषाएं भी आती हैं। शेयर मार्केट का एक्सपर्ट है बंदा, मेरा भी डीमैट अकाउंट खुलवा दिया है। अच्छा, कर्मचारियों के लिए तो ये इल्लीगल है ना? मुझे भी यही पता था, पर उन्होंने ही बताया जी कि स्पेकुलेशन इल्लीगल है, इन्वेस्टमेंट नहीं। ये अधिकार है जी सभी का। शेयर मार्केट का क्या काम करता है वो? ये तो नहीं पता सर, कभी कभी सिस्टम यूज करते हैं तो मुझे पता चला। तुमने जानने की कोशिश नहीं की? सर एक बार जरूर चेक करने की कोशिश की थी, पर वो जो भी यूज करते हैं वो रिकॉर्ड में नहीं आता। ऐसा कैसे हो सकता है? जी वो किसी सेफ ब्राउजर को यूज करते हैं, या फिर शायद उस हिस्ट्री को परमानेंट डिलीट कर देते हैं, या पता नहीं कुछ और करते हो। जो भी है वही जाने, मैं इतनी टेंशन नहीं लेता जी। जसविंदर से बात करने के बाद मुनिंदर ने नेहा से कहा, चलो रितु से बात करते हैं। नेहा ने टोकते हुए सुझाव दिया, सर फाजिल से पूछे कुछ? उसे रहने दो, अभी ज्वाइन किया ही है, उसे कुछ पता नहीं होगा। ये जो लड़की है इसे बहुत कुछ पता होगा। जो लोग इमोशनल होते हैं वो लड़कियों से बहुत कुछ शेयर कर दिया करते हैं। ठीक है सर। दोनों रितु के पास पहुंचे और उससे मेरे बारे में जानने की कोशिश की। उसने लगभग वही बताया जो उन्हें पहले से पता था। पंकज का किसी से अफेयर है या कभी था? इंस्पेक्टर ने सवाल दागा। वो खामोश रही। किसी से अफेयर है? इस बार नेहा ने पूछा। मुझे नहीं लगता किसी से है, रितु ने कहा। पास्ट में किसी से रहा हो? थोड़ी देर खामोश रहकर रितु बोली, कहा ना सर, मुझे नहीं लगता, मुझे जानकारी नहीं है। और कुछ जो तुम बताना चाहो उसके बारे में? नहीं, ना मैं सिर हिलाते हुए रितु ने कहा। चलो चलते हैं, कल देखते हैं कल से क्या होता है, इंस्पेक्टर ने उठते हुए कहा। अब फ्री हैं सर, मैं शॉपिंग करने जा सकती हूँ? नेहा ने इजाजत मांगी। इंस्पेक्टर ने उसे देखते हुए कहा, कभी कभी तो सच में मुझे लगता है कि अगर बच्चे और औरतें ना हो तो पूरे मार्केट ही बंद हो जाए। ऐसी क्या शॉपिंग करनी है, अभी तो शादी भी नहीं हुई है तुम्हारी, क्यों फालतू खर्च करती हो? सर खर्चे तो मर्द भी करते हैं। अरे मर्दों के भरोसे तो सिर्फ रेस्टोरेंट और बार ही चल सकते हैं, मार्केट नहीं। दोनों हंसते हुए बाहर निकल गए। उस दिन ऑफिस में मैं जैसे ही सबसे मिला मुझे इन सब बातों का पता चला। रितु के साथ मैं कैंटीन गया जहां उसने मुझे कहा, क्या ये सब सच है जो पुलिस वाले बोल रहे थे? नहीं, मैंने कहा। आप पुरानी यादों को भुला क्यों नहीं देते? सब कुछ मिटा दो अपनी यादों से। ये सब इसीलिए हो रहा है क्योंकि आप बार बार उन चीजों को अट्रैक्ट कर रहे हो, और ये सब तब तक चलता रहेगा जब तक आप याद करोगे। ऐसा मैंने एक किताब में पढ़ा था। आप भी अक्सर यही कहते हो ना, सबकॉन्शियस माइंड में जो जाता है वही घटनाएं चारों तरफ होती रहती है। मैंने कहा, इतना आसान नहीं है यादों को मिटाना। यादें ही हैं जो अमर होती हैं, जिसे कोई आत्मा कहता है, कोई मन, कोई यादें। इन पर उम्र का, समय का, शरीर का कोई फर्क नहीं पड़ता। इन यादों में हम जिसको जैसा देखना चाहते हैं वो वैसा ही दिखाई देता है। वो कल्पना है सर, यादें नहीं, रितु ने चाय पीते हुए कहा। जो अतीत है वो सब यादें ही हैं, कल्पना तो भविष्य की होती है, जिसे सपने भी कहते हैं। हर कोई भविष्य के सुखद सपनों में जीना चाहता है क्योंकि वो भी यादों की ही तरह अमर है।
कभी मरते नहीं, मैंने कहा। और ये क्या मामला है, इनसे कैसे निपटोगे? रितु ने अपनी शंका जाहिर की। समस्या अपने आप हल खोज लेती है, बस उसे थोड़ा समय मिलना चाहिए। पर यह समस्या ऐसी नहीं लगती सर, रितु बोली। समस्याएं सभी एक सी होती हैं। ये एक थ्योरम की तरह है। हमारा समस्याओं के प्रति रिएक्शन उनके समाधान से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब कोई व्यक्ति समस्या क्या है इससे ज्यादा निर्भर इस बात पर रहता है कि उसे कैसे डील किया जा रहा है। कई लोग जिस बात पर रोते हैं, दूसरे लोग उसी को एंजॉय करते हैं। और ऐसा एक बार और हो चुका है मेरे साथ। ये कोई नया नहीं है। मुझे उसी समय ये एहसास हुआ था कि कानून की जानकारी एक अनिवार्य जानकारी है जो हम सबको होनी चाहिए। तब भी पुलिस मुझसे घंटों पूछताछ करती थी। और उस समय ये भी एहसास हुआ कि जैसे आधे बच्चे मैथ के एक्स वाई जेड देखकर सवाल से दूर भागते हैं, जिससे वो अलजेब्रा और कैलकुलस जैसे टॉपिक को जिंदगी भर कठिन समझते रहते हैं, वैसे ही पुलिस वाले भी मर्डर, प्यार, बदला, अपहरण, रिश्वत, इनसे आगे नहीं बढ़ना चाहते। और यही कारण है कि आज के समय के क्राइम के हिसाब से पुलिस के अधिकतर लोग अप्रासंगिक होते जा रहे हैं, और इसीलिए सरकार भी उनका उपयोग सिर्फ बैरिकेड्स लगाने, चुनाव कराने, लोगों को डराने जैसी चीजों में ही करती है। और आज के समय के हिसाब से जो क्राइम हो रहे हैं, उनके लिए सरकार को एक्सपर्ट्स की जरूरत होती है, जो अलग अलग संस्थाओं के नाम से हर रोज हमें दिखाई देती है, जैसे साइबर, फॉरेंसिक, वित्तीय अनियमितता विभाग। पर इनमें भी कोई भी एक्सपर्ट नहीं होते, क्योंकि यहां भी सरकार उन लोगों को भेजना पसंद करती है जो नेताओं के काम के नहीं होते, या जो लाइन अटैच होते हैं, या फिर कुछ ऐसे भी होते हैं जो किसी कारण से छुट्टी चाहते हैं, जैसे कोई पढ़ाई कर रहा हो, या कोई अपने गृह जिले में ऑफिस होने की वजह से पोस्टिंग चाहता हो। मतलब यहां भी सभी वैसे ही लोग आते हैं जो एक्सपर्ट नहीं होते। पर यह भी सच है कि सरकारी काम कभी रुकते नहीं है, तो थोड़े बहुत लोग कुछ लिमिट तक एक्सपर्ट बन जाते हैं और लाल बुझक्कड़ की तरह सभी का मार्गदर्शन करते हैं। इसी कारण जब क्राइम इनके ऊपर का हो तो इन्हें समझ नहीं आता, और फिर ये अपनी थ्योरी बदल बदल कर उसकी व्याख्या करते रहते हैं। और जनता को ये लगता है कि ये सब पुलिस के राजनीतिकरण के कारण हो रहा है, जबकि वास्तविकता ये है कि ये सब पुलिस की अकुशलता के कारण या उनको प्रॉपर ट्रेनिंग ना दिए जाने के कारण होता है। पुलिस दबाव में तो काम करती है, पर नेताओं के नहीं, परिवार के। किसी को समय चाहिए होता है जो ये नहीं दे सकते, किसी को पैसा चाहिए होता है जिसकी कोई लिमिट ही नहीं होती। तभी चाय वाला आकर बोला, सर कुछ और लाऊं? उसका मतलब था कि समय होने वाला है, सर्दियों में कैंटीन 5 बजे के आसपास बंद करने लगते हैं। नहीं, हम जा रहे हैं, मैंने कहा। सर आप कुछ पुराने केस के बारे में बोल रहे थे, रितु बोली। हाँ वो कुछ नहीं, कई साल कलेक्टर ऑफिस में काम करने के कारण इस प्रकार के बहुत से केस देख चुका हूँ, मैं विषयांतर करते हुए बोला। अब तक शाम के 5 बज चुके थे, मैंने कहा अब मैं घर जा रहा हूँ, कल मिलते हैं। मैं पहले अपने एक मित्र के पास जाऊंगा फिर घर पहुंचूंगा, आज तुम निकल जाना। ओके सर, बाय, टेक केयर। टेक केयर नहीं, गिव केयर, मैंने हंसते हुए कहा। मैंने उस दिन अपने स्कूल के मित्र, बचपन के मित्र सनी रजक, जो मेरे हर दुख सुख का साथी था और वर्तमान में एक देश की प्रसिद्ध महारत्न कंपनी में सीए के पद पर था, उसके पास गया। 3-4 घंटे साथ बैठे, हमने बाहर एक रेस्टोरेंट में डिनर किया, फिर मैं अपने घर वापस आया। कुछ देर कंप्यूटर चलाया, फिर एक बंगाली साहित्य की किताब उठाकर पढ़ने लगा।
मैं आजकल बांग्ला सीख रहा था और उसके लेवल को बढ़ाने के लिए प्रैक्टिस जरूरी है, इसलिए उसी भाषा में साहित्य पढ़ता था। किताब को पूरा पढ़ने में थोड़ा समय ज्यादा लगता था, जो 2 दिन में पूरी हो सकती थी उसमें 6 दिन लगते थे। पर मुझे किताबों का मूल स्वरूप ही पढ़ने में अच्छा लगता था, क्योंकि ट्रांसलेशन के बाद उस किताब की मूल आत्मा वस्त्र बदल लेती है। फिर उस किताब में ट्रांसलेशन करने वाले के पूर्वाग्रह भी आ जाते हैं, और आजकल लोग इतने ज्यादा विद्वान होने लगे हैं कि किताब में जो नहीं लिखा वो भी बताने लगते हैं या उस पर थोपने लगते हैं। कुछ लोग इसे रीड बिटवीन द लाइंस कहते हैं। इसी कारण मुझे कई भाषाएं सीखने को मिली, या यूं कहें कि सीख गया। किताब पढ़ते पढ़ते 12 बज चुके थे, मैं सो गया, ये सोचकर कि वादा तो किया है उसने मिलने का, ऐसा ना हो वो ही मुझसे मिल ले।